हेलो दोस्तों, तो कैसे हो। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वर्चुअल डेबिट कार्ड, रुपए का जो डेबिट कार्ड आता है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे ले सकते हो। उसमें आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे वर्चुअल रुपए का डेबिट कार्ड ले सकते हो। आप लोगों को दोस्तों पता ही होगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने वर्चुअल रुपए डेबिट कार्ड लॉन्च कर दिया है, तो आप लोगों को कैसे लेना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मेरा चैनल अपना यहाँ तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोस्तों अगर आपको नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा, तो दोस्तों शुरू से लेकर के एंड तक देखिए। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे आ जाना है IPPB ऐप में। आने के बाद आपको यहाँ पे अपना एम पिन डाल के लॉगिन हो जाना है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पे रुपए का कार्ड दिख रहा होगा, सिंपली आपको इस पे टैप कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों दिख रहा है वर्चुअल डेबिट कार्ड, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे आप वहाँ पर उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है नो वर्चुअल डेबिट कार्ड फॉर दिस अकाउंट, एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड। तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि आपका IPPB अकाउंट का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। वर्चुअल कार्ड जो होगा उसके लास्ट के 4 या 6 डिजिट आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपसे टर्म एंड कंडीशन मालूम करेगा। टर्म एंड कंडीशन मालूम करने के बाद आपको यहाँ पे टिक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया डैशबोर्ड खुल जाएगा। उसके बाद आपको फिर से कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP कोड आएगा। तो दोस्तों OTP कोड डालकर आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप OTP कोड डाल करके सबमिट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कार्ड का नंबर भी मिल जाएगा, CVV एक्सपायरी डेट मंथ आपको यहाँ पे सब देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको एरर भी देखने को मिल सकता है, कुछ इस तरीके से एरर भी आपको मिल सकता है। इसलिए आपका ATM कार्ड आपको आपके अकाउंट में शो हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो उसके बाद अगर आपको ऐसा नहीं दिखेगा तो आपको इस तरीके का भी दिख सकता है। तो आपको किस तरीके से अप्लाई करना है तो मैंने आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में बता दिया है। अगर दोस्तों हम बात करें इसके वर्चुअल डेबिट कार्ड की, तो दोस्तों अगर आप इस पर क्लिक जाओगे तो यहाँ पे अभी यही बताया जा रहा है कि वर्चुअल डेबिट कार्ड सर्विसेज आर गोइंग टू स्टार्ट शॉर्टली। तो अभी दोस्तों फिर से बंद कर दी गई है, आप चेक करते रहिए, आपको ये मिल सकता है। तो आई होप कि मैं छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या आप मुझसे कोई भी अदर क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। टेक केयर, बाय बाय।